आरजी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। नमस्कार, मैं हूं अमित कल्ला और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। सिटी लाइव के इस विशेष प्रसारण आर्ट डायलॉग में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे साथ में कुछ विशेष मेहमान हैं और जिनमें सरदार प्रेम सिंह जी आप जुड़े हैं, आप लखनऊ, आप चंडीगढ़ से जुड़े हैं, अखिलेश निगम साहब हैं, आप लखनऊ से जुड़े हैं और संदीप सुमन जी हैं। तो ये जो पूरा प्रयोजन है आज की हमारी जो वार्ता का जो प्रयोजन है उसका जो एसेंस है वो कलावृत्त के समायोजन को लेकर है। जो 2020 का जो ये समायोजन है ये किस तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा और ये इसका पूरा जो कैसे ये कंसीव हुआ इस पर हमारी एक गहरी बातचीत आप सभी से होगी। राजस्थान के कला गुरु जिन्हें हम कहेंगे, कलाविद कहेंगे, स्वर्गीय श्री सुमहेंद्र जी। तो सुमहेंद्र जी के 77वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले एक विशेष किस्म के आर्ट कैंप को लेकर हमारी ये परिचर्चा है और जो कि मिनिएचर, जो कि कंटेम्प्ररी मिनिएचर की बात करेगा उस कैंप में। वो कैंप जो है वो कंटेम्प्ररी मिनिएचर के संदर्भ में है। तो सबसे पहले मैं संदीप जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, उनको लाइन पर लेना चाहूंगा। संदीप जी, आप सुमहेंद्र जी के पुत्र भी हैं और विशेष संयोजक भी हैं इस पूरे कलावृत्त समायोजन के। संदीप जी, आप हेलो जी नमस्कार। कलावृत के द्वारा पिछले कई वर्षों से ये आर्ट कैंप का आयोजन किया जाता रहा है और मेरे पिता डॉक्टर सुमहेंद्र जी ने यह संस्था शुरू की थी ये उद्देश्य लेकर के कि उनको जयपुर के मूर्ति कला के जो आर्टिस्ट हैं जो पारंपरिक रूप से काम करते हैं अपने खजाने वालों के रास्ते में और इसमें आपने देखा होगा, उनको लाइन में मेन लाइन में लाने के लिए उनका उद्देश्य था कि ये एक ही जगह बैठे बैठे कारीगर ही बनते रहेंगे, इसके बजाय इनमें से कुछ आर्टिस्ट को निकालने की कोशिश उनकी थी। इस मकसद से उन्होंने कलावृत्त की स्थापना की थी 1970 में। लेकिन कुछ उस वक्त की उनकी समस्याओं के चलते ये इफेक्टिवली स्टार्ट हुआ 1975 में और उसके बाद से लेकर के अभी तक करीब करीब काफी कैंप हो चुके हैं। लास्ट मैंने स्कल्पचर कैंप किया था 33वां, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन में किया था और उसके बाद में एक अभी कंटेम्परेरी पेंटिंग का किया। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात थी कि ठीक है, स्कल्पचर डिपार्टमेंट कैंप करना अलग बात है और पेंटिंग करना अलग चीज है, लेकिन जो अपनी राजस्थान की जो मिनिएचर पेंटिंग टेक्निक है इस टेक्निक में जो पारंपरिक रूप से काम परंपरागत रूप से जो काम हो रहा है कि बने ठनी बन गई के या नागरी दास का पोर्ट्रेट बन गया या मुगल फीचर्स बन गए, दरबारी का पेंटिंग बन गई जिसमें एक राजा जी बैठे हुए हैं या दो चार दरबान खड़े हुए हैं और या ऐसा इस तरह का, या कि जो कुछ और ट्रेडिशन इस तरह का बनता है, तो सब लोग देख देख करके उसको और एक व्यवस्था में बैठे हुए हैं कि मिनिएचर थक गए सब देख देख करके उसी एक ही एक चीज को, अब इसमें नया करने के लिए क्या है। तो मिनिएचर पेंटिंग की टेक्निक को यूज करते हुए आज कंटेम्परेरी काम करना है, समसामयिक काम करना है जिसमें वर्तमान घटनाओं से आधारित चित्रण हो और उसमें कितना अच्छा काम हो सकता है ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। कौन आर्टिस्ट कैसे कितना अच्छा काम कर सकता है, कौन उसके अंदर और नए प्रयोग कर सकता है, उस चीज को लेकर के मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने अपने श्रद्धेय सभी से इस मामले में राय की और ये नतीजा निकला कि नहीं, चलो ये इस बार का वर्कशॉप ये ऐसा ही करना है। जैसे ही मैंने इसके लिए लोगों को बताया कि मैं ये कैंप कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर मैंने अपलोड किया, तो
इमीडिएट नई समस्या शुरू हो गई। मेरे पास महाराष्ट्र से कॉल आने लगी, मेरे पास यूपी से कॉल आने लगी कि सर हमको भी ये इस में ज्वाइन करना है। मैं ये अब उनको मैं क्या कह करके मना करूं कि आप राजस्थानी नहीं कर सकते इसलिए आप आपको अलाउ नहीं करेंगे हम। ये कहना मेरे लिए, मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये आर्टिस्ट खुद आगे होकर के फोन कर रहे हैं कि हमें ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है, अब अपन इनको क्या कहें। और दूसरी बात ये कि राजस्थानी मिनिएचर उनको आती नहीं है जी, सिखाने का अभी टाइम भी नहीं है। तो फिर ये सोचा कि अपन इनको ऐसा करते हैं कि जो उनके राज्य की पारंपरिक कला है वो उसमें काम कर ले। किसी जैसे महाराष्ट्र के अंदर गोंद पेंटिंग चलती है, गोंद पेंटिंग में कंटेम्प्रेरी काम कर सकते हैं जी। संदीप जी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपसे इस शिविर में जुड़ी हैं, जिनका सहयोग? नहीं, मेरे साथ में राजस्थान ललित कला अकादमी जुड़ी हुई है और उनका सपोर्ट है विनय शर्मा जी और अभी जो नए सेक्रेटरी आए हैं रजनीश जी, रजनीश हर्ष, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसमें काफी मेरी हेल्प की है उन्होंने और कैसे मैनेज करना चाहिए, जो भी कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स मेरे को आई तो उसके अंदर क्या कैसे करना चाहिए वो मेरे को बार बार हर जगह मेरे को अपनी बात कहते रहे और मेरे को बताते रहे। इसी तरह से मैंने कई जगहों पे अखिलेश जी से भी बात करी, प्रेम सिंह जी से भी बात करी, शहर साहब से भी बात करी, इनसे भी मैं जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कत आई कि ये मेरे पास इंक्वायरी आई है, अभी इस आर्टिस्ट को मैं क्या कहूँ कि ये इसको ये नहीं लगे कि मेरे को किसी दूसरे राज्य का होने की वजह से मेरे को मना किया जा रहा है। वो 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 बात मैं किसी भी आर्टिस्ट के से नहीं देखना और सुनना चाहता था कि कोई ये कहे कि यार कलाव्रत का ये वर्कशॉप हो रहा था, इसके अंदर हमको जाना था, मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन चूंकि मैं ये काम नहीं जानता इसलिए मैं नहीं जा पाया। इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर मैंने जो भी जिस राज्य का जो पारंपरिक जो चित्रण है उसके अंदर उनको कंटेम्परेरी काम करने के लिए बोला जी। जी संदीप जी, हम फिर से आपके पास में आएंगे। मुझे अखिलेश जी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश निगम जो लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हैं। नमस्कार अखिलेश जी। अखिलेश जी, आप एक लंबे समय से आपका एक लॉन्ग एसोसिएशन रहा है, लंबा जुड़ाव रहा है कलावृत्त के मार्फत, तो आप उन कुछ एक्सपीरियंसेस को अपना हमारे साथ में शेयर करें कि आप कैसे जुड़े या सुमहेंद्र जी से आपके कैसे ताल्लुकात रहे और आप लोगों ने किस किस्म की कला यात्रा को आगे बढ़ाया। अखिलेश जी, पहला इंटरव्यू राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिया, वहाँ के हॉबी वर्कशॉप के सुपरवाइजर के लिए 1970 के 70 की शुरुआत की बात है। तो लखनऊ से मैं भी उस इंटरव्यू में गया था, वहीं हमारी ऐसी प्रगाढ़ता हुई कि वो हमको पकड़ करके, उनका उस समय स्टूडियो बाबा हरिशन मार्ग पे हुआ करता था, मुझे वहां पकड़ के ले गए और फिर हमने उनके काम को देखा, उनसे बात की हमने। और क्योंकि मैं चित्रकार के साथ कला समीक्षक भी रहा तो वो दर्शकों भी मेरा वहां था और मुझे लगा कि सुमहल से अच्छा दोस्त मुझे नहीं मिल सकता है, कि उनके अंदर जो ज्वाला थी उस ज्वाला को मैंने पहचाना था। और फिर धीरे धीरे वो स्थिति आई कि हम लोगों ने ये परिकल्पना की कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो युवा कलाकारों को प्रोत्साहित कर सके। इसलिए कलाव्रत के साथ आप देखिए युवा सृजन मंच जुड़ा हुआ है, कलाव्रत के नाम के साथ युवा सृजन मंच जुड़ा हुआ है, अर्थात युवाओं के सृजन का मंच। तो वहां से हमने शुरुआत की और उस पर उस समय आर्थिक संकट भी थे हम लोगों के सामने और भी चीजें थी, लेकिन 1972 में सुमहल जी को नेशनल अवार्ड मिला।
और उसके पहले जैसा आप सब लोग जानते हैं सुमहन जी न केवल लघु चित्र परंपरा वरन समकालीन कला में भी चित्रकला में काम कर रहे थे और वो एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। तो मूर्तिकला में भी वो काम कर रहे थे और संयोग से एक ही विश्वविद्यालय से उन्होंने दोनों ही शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में उन्होंने एमए किया और पीएचडी की, एमए उन्होंने अजमेर जाकर के किया था शायद श्री राम जायसवाल जी के संपर्क में। कोई एक संयोग है कि राम जायसवाल जी लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रबंधक हैं, आज वो अजमेर में बैठे हैं और वहां पे लोगों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। 86 वर्ष में जो उनमें ऊर्जा है वो गजब की ऊर्जा है। 1972 में जब सुमहन जी को नेशनल अवार्ड मिल गया तो हर्षित होना स्वाभाविक बात है और आयु के इस पड़ाव में नेशनल अवार्ड मिल जाना भी माने रखता है। 1943 सुमहन जी की जन्मतिथि है और 1972 में उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था। उसके बाद हम लोगों ने कल्पना की और चालू किया तो सबसे पहले हम लोगों ने कला प्रदर्शनियां की। तो एल्बर्ट हॉल में हम लोग ऊपर मंच बना हुआ है वहां पे हमने पहली प्रदर्शनी की और वहां के युवा कलाकार जो थे उसमें युवतियां भी थी और भी कलाकार थे और इस तरह से हमारी शुरुआत वहां उस एल्बर्ट हॉल की मंच से कला प्रदर्शनी से हुई। उसमें मूर्तियां भी थी और चित्र भी थे। वहां पे हमारे पास कोई कराई उस समय कोई ऐसा मानक नहीं था कि हम किसको रखें किसको ना रखें। हमारा उस समय मानक ये था कि वो कलाकार युवा हो, काम करने की ऊर्जा हो और आगे बढ़ने की उसमें इच्छा हो, एक जुझारूपन हो इस क्षेत्र में आने का। बाद में ये कार्य चलता रहा और इसी बीच सुमहन जी से ज्यादा जुड़ाव इस तरह से हुआ कि 1973 और 1975 के बीच में हमने उनकी 3 प्रदर्शनियां उत्तर प्रदेश में कराई। मैं उसका संयोजक था, उसमें से 2 हमने लखनऊ में कराई और 1 बनारस में कराई। बनारस में के एस कुलकर्णी साहब उस समय डीन हुआ करते थे। जब मैंने उनसे आग्रह किया सुमहन जी की प्रदर्शनी करने का, उनका पत्र आया कि व्यस्तता है, हम आपको गैलरी नहीं दे सकते। बहुत परेशान हुए। ये एक अनुभव है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ और सबसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किस कला क्षेत्र से होकर हम आगे बढ़े। लेकिन संयोग से वहां रामचंद्र जी भी हुआ करते थे और कुलकर्णी जी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले गए, रामचंद्र जी को चार्ज मिल गया और इस तरह से हम उस गैलरी में काम पर लगा सके। और आपको जानकर हर्ष होगा कि जहाँ लोग इतना विचलित हो रहे थे क्योंकि ललित कला अकादमी की स्थापना के बाद कला का जो क्षेत्र था वो बदलता जा रहा था, वो समकालीन कला की ओर अमूर्तन की ओर जा रहा था, जबकि सुमहन जी का काम जो है वो परंपरागत शैली से जुड़ा हुआ था। उन्होंने किशनगढ़ शैली के नायक और नायिका को अपना नायक और नायिका बना लिया और उनके जो आप चित्र देखेंगे लघु चित्र उसमें किसी भी रूप में समसामयिक संदर्भ में नागरी दास जी और बड़ी छड़ी आपको नायक नायिका के रूप में मिलेंगे। समय का वो युग था कि इमरजेंसी का युग था और सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट जोर दे रही थी वो दे रही थी परिवार कल्याण पर। इन विषयों को भी सुमहन जी ने जोड़ा और जो मूल उन्होंने इसका जो पारंपरिक चित्र था बड़ी छड़ी का उसको उसकी जगह जो ऑफरिंग इसका शीर्षक था उन्होंने कुछ और न दे करके बड़ी छड़ी के हाथ में निरोध का पैकेट दिया कि वो नागरिक दास को दे। तो ये एक एक, एक एक आधुनिक सोच और आधुनिक समसामयिक संदर्भ की सोच थी जो कलाकार ने अपने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत की। आज भी जयपुर में कलावत से जुड़े हमारे पार्टी मौजूद हैं और ये चित्र उनके घर में लगा हुआ है और संयोग से उस समय राजस्थान पत्रिका में इस चित्र पर हमने विशेष रूप से लिखा था एक लेख। उसमें पुलिस जी थे वहां पे और तो एमआई रोड पर छोटा सा दफ्तर हुआ करता था राजस्थान पत्रिका का। लखनऊ में हमने प्रदर्शनी की और बनारस में वो समय था कि जब उस समय रायकृष्ण दास जी भी जीवित थे, हम उनसे भी मिले और
अनंत कृष्ण जी तो नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी जहां लोगों को संकोच हो रहा था सुमेह जी की चित्रों की प्रदर्शनी लगाने में, वहां पे हमने सुमेह जी के दो चित्रों को वहां बेचा बनारस में। उस समय ये बड़ी बात थी कि हमने बनारस जैसी जगह जहां पे एक भी पेंटिंग नहीं बिकती थी, सुमेह जी की एक प्रदर्शनी लगा के उनकी दो चित्रों को बेच लिया। तो ये सिलसिला हमारा इस तरह से हम नजदीक आते गए, समझते रहे, और फिर तीन चीजों पे हम आए। एक था कला प्रदर्शनी, दूसरा था मूर्तिकार शिविर, और तीसरा था कलावंत का प्रकाशन। तो चित्र प्रदर्शनियां भी चलती रही और हमारे शिविर भी, मूर्तिकार शिविर भी होते रहे, जो ज्यादातर क्योंकि सुविधाएं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के मूर्तकला विभाग में थी, तो हमने मूर्तकला विभाग में शिविर ज्यादातर किए। और मैं तो चित्रकार हूँ, लेकिन सुमेह जी की इतनी वो थी कि नहीं, तुमको आकर के और पत्थर काटना है, और उन्होंने मुझसे पत्थर कटवा लिया। तो आज भी वो मूर्ति जो है वो कलावृत के मेरे कलेक्शन में है, जो मूर्ति मैंने वहां पे उस मूर्तिकार शिविर में गढ़ी। तो एक चित्रकार को उन्होंने मूर्तिकार बना दिया, तो ऐसे दोस्त थे वो हमारे। बाद में कलावृत का प्रकाशन हुआ, उसमें मैं भी जुड़ा एज ए संयुक्त संपादक, हमारे प्रेम सिंह जी भी जुड़े और भी तमाम लोग जुड़े, और इस तरह से वो एक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन बन गया। उसके त्रैमासिक अंक भी निकले और वार्षिक अंक भी निकले। ये गर्व की बात है कि उनके ना रहने के बावजूद उनके पुत्र संदीप जी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक पिता की ख्याति को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो कहूंगा भगवान ऐसा पुत्र सबको दे, क्योंकि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है कि उसने जो पेड़ लगाया है वो पल्लवित हो, उसके फल निकले और लोग उसका आनंद लें। तो आज संदीप जी वही काम कर रहे हैं कि उनके लगाए हुए कलावृत के वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं, और इसी के चलते ये कल्पना हुई इस मूर्तिकार इस लघु चित्र शिविर की। इस पर सुमेह जी संदीप जी से हमारी चर्चा होती रही, काहे बगाहे हमसे सलाह भी लेते रहते हैं ये। तो इनकी जो परिकल्पना थी वो राज्य स्तरीय शिविर की थी, लेकिन आज वो अंतरराष्ट्रीय शिविर बन के आपके सामने आ रहा है। और आप देखिए कि जैसे हमारा बंगाल का पुनरुत्थान काल है, तो वहां से जो कला निकली वो या तो अजंता एलोरा तक सीमित रही या वाद शैली पर सीमित रही, और वहां से ही जितने देश में कला महाविद्यालय बने, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे मद्रास का हो, उसके जो प्रधानाचार्य थे वो बंगाल स्कूल के ही वहां भेजे गए, उन्हीं की नियुक्ति वहां पर हुई। वो बात अलग है कि कला महाविद्यालयों की स्थापना में शुरू शुरू एक दो जगह पर एंग्लो इंडियन प्रिंसिपल भी हुए, लेकिन मूलतः बंगाल स्कूल के ही जो चित्रकार थे वो वहां जाकर या मूर्तिकार थे वो जहाँ जाकर के वो उन्होंने प्रिंसिपलशिप का प्रधानाचार्य का पद संभाला और वो चीजें आगे बढ़ी। तो जब वाद शैली पूरे देश में इन प्रधानाचार्यों के माध्यम से फैली, तो वो जिस भी राज्य में गई वहां परिवर्तित होती गई। आप रामगोल गोपाल विजय वर्गीय जी का काम देखिए, उनकी नायिकाएं को देखिए, वो नायिकाएं कितनी लालित्यपूर्ण है। हमारे यहाँ आप बद्रीनाथ आर्य जी को देखिए, उनकी नायिकाएं वो लालित्यपूर्ण है, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश का प्रभाव है। और यही हाल वहां क्या कहते हैं राजस्थान में उनका था, रामगोपाल विजय वर्गीय जी का। और रामगोपाल गोपाल विजय वर्गीय जी ही वो ऐसे महान कला गुरु थे जिन्होंने अकेले सुमहेंद्र जी को अपना शिष्य बनाया, और वहां से सुमहेंद्र जी की कला यात्रा मिनिएचर पेंटर के रूप में प्रारंभ हुई। कला गुरु रामगोपाल विजय वर्गीय जी ने अपने मंजिले कोठे पे एक कमरा सुमहेंद्र जी के लिए आरक्षित कर रखा था, जहां जाकर के ये काम करते थे और काम सीखते थे। बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाहर से भी, विदेशों से भी कुछ महिलाएं आई और उन्होंने लघु चित्र परंपरा का काम सुमेह जी से वहां सीखा। तो आज ये शिविर हो रहा है, ये बहुत 2 मिनट में लूंगा आपसे, आज जो शिविर हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृश्य से
कि आज इसमें देश के विभिन्न कोनों से तमाम लोग जो जुड़े हैं वो इसका प्रमाण है कि लोगों में लघु चित्र परंपरा को करने का मानता है, वो उसमें रुचि रखते हैं और वो उसमें काम करना चाहते हैं। इस शिविर में ये बात भी निकल करके आएगी कि कैसे विभिन्न राज्यों के जो कलाकार हैं वो अपने इन लघु चित्रों में प्रयोग करते हैं और अपने क्षेत्रीयता को हमें प्रदर्शित करते हैं। अपनी बात को यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा कि सुमेंद्र जी का जिक्र अगर हम आज उनके जन्मदिन पर करेंगे तो हम उनकी पत्नी सुमन जी को बिसार नहीं सकते। कारण सुमेंद्र यूं ही सुमेंद्र नहीं बने, उसमें सु और महेंद्र का मिश्रण है। सु अर्थात हमारी भाभी जी सुमन जी और महेंद्र, तो इस तरह से महेंद्र डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा सिर्फ सुमेंद्र बन के रह गए। और आपको बताता चलूं कि लघु चित्र परंपरा में वो जब काम करते थे तो उन्होंने नायिका भेद पर चित्र बनाए और उसमें जो सबसे पहला चित्र था प्रधान नायिका का वो मेरी भाभी जी का था और आज तक वो चित्र उन्होंने किसी को नहीं दिया, सुरक्षित रखा अपने पास कि सुमन जी से उनका कितना लगाव था। आज अगर सुमन जी ना होती तो सुमेन जी शायद उस स्तर पर ना पहुंचते क्योंकि उन्होंने घर को संभाला और इन्हें कला जगत को संभाला। ऐसे सुमेन जी के साथ बहुत से अनुभव है। अखिलेश जी अभी और हम आपके अनुभव और आपके अनुभव सुनेंगे। सरदार प्रेम सिंह जी हमारे साथ हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्टूडियो दिल्ली में है और ये भी एक बड़ी मतलब सौभाग्य की बात है कि सरदार प्रेम सिंह जी हिंदी को भी बहुत अच्छा जानते हैं, हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं, हिंदी में आर्टिकल्स लिखते हैं और हर रोज सर हम आपसे सीखते हैं, आपके ड्राइंग्स से प्रेरणा लेते हैं। तो सोशल मीडिया कोविड काल में सबसे ज्यादा चर्चित हुए हैं प्रेम जी के कोलाज, बहुत पीरियड में इन्होंने बनाए। प्रेम सिंह जी ने काफी समय से एक लंबा एसोसिएशन आपका भी रहा है कलावृत्त के साथ में, आपने कई शिविर अटेंड किए हैं और संदीप जी के आप एक मार्गदर्शक के रूप में भी रहे। सर आप अपने कोई अनुभवों को आप साझा कीजिए, आप कैसा कलावृत्त के जो शिविरों के जो आपके अनुभव हैं उनको आप थोड़ा सा हमारे साथ में बजा दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि चंडीगढ़ दिल्ली और जयपुर ये तीन शहर थे जिसमें मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा मैंने गुजारा है वहां पे। तो जहां तक जयपुर का तल्लक है तो जयपुर का नाम मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैं सुमेंद्र को जानता। खैर अगर मैं शायद सुमेंद्र को ना जानता होता तो शायद जयपुर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस ना रखता, वो सिग्निफिकेंस ना होती। जो तो मेरे लिए एक तरह का वो दूसरा घर था। तो अगर मैं सुमेंद्र को सुमेंद्र सिंह भी कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो क्योंकि हम इतने क्लोज थे एक दूसरे के, जब बैठते थे तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी पहचानना कि कौन सुमेंद्र है कौन प्रेम सिंह है, ऐसी दोस्ती थी हमारी। दूसरी बात कि मैंने बहुत से मिनिएचर आर्टिस्ट को राजस्थान में मैं मिला हूं जो है, लेकिन सुमेंद्र की खासियत ये है कि एक तरफ वो जो है मतलब पत्थर को तराश रहा है और दूसरे तरफ जो है बिल्कुल जस्ट अपोजिट, मतलब कह लो कि एक ड्रामेटिक कंट्रास्ट है स्कल्पचर में और मिनिएचर पेंटिंग में। लेकिन जब वो मिनिएचर पेंटिंग करता था तो जिस डेलिकेसी से और जिस क्रिएटिव स्किल से उसमें अपनी जान डालता था तो वैसे ही वो जब मार्बल को चिजल करता था तो उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही होती। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो मार्बल जब वो चिजल करता था मैं कभी कभी उसको देखता था उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो है जो अच्छा स्कल्पचर वही है कि जिसको देखने से वो आपको जहां से वो रॉक से अलग हुआ है वहां ले जाए आपको, तो ना कि उससे हमें मतलब जो है तोड़ ले। तो अगर
उस कल्चर में ये जान है कि उसको देखते हुए वो हमें वहां ले जाए जहां से वो टूट के आया था, तो ये मैं सोचता हूं कि स्कल्प्टर की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो जो सुमहिंदर जब काम करता था वो इसी स्पिरिट से काम करता था, तो मतलब उसको ऐसे लगता है, ये नहीं कि वो एक पत्थर का टुकड़ा घट रहा है, मतलब घट रहा है या तराश रहा है, तो उसके साथ लगता था कि पूरी रॉक उसके साथ चली हुई है। तो वो जो एक संबंध है जो जिससे वो टूट के आया है, तो वो संबंध का जो गैप जो है सुमहिंदर कम से कम करता। तो ये तो मैं उसके स्कल्पचर की बारे में कहना चाहता हूँ। तो दूसरी बात जो है इसकी जो मिनिएचर पेंटिंग की, तो मिनिएचर पेंटिंग में क्या है कि जैसे आप सब जानते हैं कि हम एक फ्यूडलिस्टिक पैटर्न में ये जो जितनी भी कांगड़ा कलम जो पहाड़ी कलम राजस्थान कलम और मुगल कलम जो है ये सारी एक फ्यूडलिस्टिक पैटर्न में जो है फ्लरिश हुई है। लेकिन 1850 के बाद जो है एक नई चेतना आई, जो है एक नई मतलब सेंसिबिलिटी आई। तो सेंसिबिलिटी से क्या है कि आर्टिस्ट को एक मतलब एक नई फ्रीडम जो है मिली, नई स्वतंत्रता मिली उसको जो है। और ये स्वतंत्रता जो है मतलब जो यूरोप में है वो एक तरह के मॉडर्न आर्ट के फॉर्म में जो है हमारे सामने आई, लेकिन वो चलती चलती जैसे हमारा था 1947 तक तो हम अंग्रेजों के अंडर ही थे, ब्रिटिश एम्पायर में थे। तो उस वक्त आप सब जानते हैं कि कितना मतलब एक तरह का स्टिफल्ड एटमॉस्फियर था। तो 1947 के बाद जो है जब ये एक नई स्वतंत्रता मिली जो है, उस स्वतंत्रता ने एक जो नई चेतना लाई आर्टिस्टों में, तो मैं वो सोचता हूँ कि वो एक तरह का बड़ा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन आर्ट में जो है। तो उससे जो है ये 1947 से चलते गया जो है हम जो है मतलब एक तरह के 60s की जेनरेशन है। तो 60s में हमने आर्ट फील्ड में एंटर किया था, मैंने भी सुमहिंदर ने भी। तो उसके बाद जो है जो जब ये इसने पेंटिंग में काम करना शुरू किया, तो उसका मतलब काम करने का ये था कि एक तो जो है जैसे आपने बताया कि विजय वर्गीय जी से उनकी मतलब उनके शिगिर्द थे और उनकी ये मतलब देख रेख में उन्होंने काम भी किया, उनके बारे में लिखा भी बहुत जो है। तो मैं वो सोचता हूँ कि उसके बाद जो उसमें एक जो है मतलब स्पिरिट ऑफ जो है जो आप कह लोगे जो एक क्रिएटिविटी की स्पिरिट होती है ना, कि मैंने वो नहीं करना जो हो चुका जो है ना। तो क्रिएटिविटी का मतलब भी यही है कि क्रिएटिविटी मतलब जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, क्रिएटिविटी इज व्हाट यू आर डूइंग हैज नॉट बीन सीन बिफोर। तो क्रिएटिविटी तो ये है, तो उसकी स्पिरिट में ये मतलब एम्बेडेड था। तो जब उसने जब मिनिएचर करना शुरू किया, तो उसने मतलब पास्ट को एज स्टिमुलेंट यूज किया, जब वहां से जो स्टिमुलेंट्स मिले उसको उसने फिर जो है अपने कंटेम्पररी लाइफ के साथ जो है असिमिलेट किया, और उस असिमिलेट को करके जो है फिर उसने जो है एक मतलब राजस्थान कलम को मैं सोचता हूँ कि एक नई डायरेक्शन और नई सोच दी जो है। तो ये मैं सोचता हूँ कि उसकी एक बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जो है, तो जिसपे उसको नेशनल अवार्ड भी मिला ललित कला अकेडमी ने, और भी बहुत सारे काम करने को उसको दिए, बहुत सारी असाइनमेंट्स उसको दी उसको करने के लिए। तो दूसरा ये जो मतलब उसका था, जब हम बातचीत करते थे तो बातचीत में मुझे मतलब ये एहसास हुआ कि भाई हम सब जानते हैं कि जो आर्ट है एक इंडिविजुअल परस्यूट है, तो लेकिन इंडिविजुअल परस्यूट के साथ साथ जो है तो ये मतलब एक तरह का जो है, अगर इसको आर्ट को हमने सोसाइटी में ज्यादा विजिबल करना है, तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए जो है एक कलेक्टिव इनिशिएटिव की जरूरत होती है। तो इस कलेक्टिव इनिशिएटिव से ही जो
इसकी सोच में जो है ये कला व्रत आए, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर समाज में कला को ज्यादा विजिबल करना है और लोगों तक पहुंचाना है तो एक कलेक्टिव आर्टिस्ट कलेक्टिव बहुत जरूरी है। तो उन्होंने फिर मतलब क्या किया, जितने भी लाइक माइंडेड आर्टिस्ट थे नॉट ओनली इन जयपुर जरा है राजस्थान में और राजस्थान के बाहर, तो उन्होंने सबसे एक मतलब एक लिंक बनाया, एक संबंध बनाया। तो वो संबंध बना के फिर मतलब जो है, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी इसमें खासियत ये थी इस महेंद्र में कि ये स्कल्प्ट भी करता था, ये मिनिएचर पेंटिंग भी करता था, ये लिख भी सकता है, ये पढ़ा भी सकता है और ये बोल भी सकता था, और एक ऑर्गेनाइजर एक ऑर्गेनाइजर भी कमाल के थे वो। हाँ बिल्कुल, जो है और जो है जो मैं आर्टिस्ट कलेक्टिव्स की बात कर रहा था तो ये कलाव्रत उसी सोच में से निकला हुआ है। तो जब हम ऐसी कोई ग्रुप बनाते हैं या कोई संस्था बनाते हैं तो हमारा मतलब मकसद यही होता है कि टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड टू गिव प्लेटफॉर्म टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एज मेनी आर्टिस्ट एज पॉसिबल। आपका क्या कहना है इस पूरे अंदर बिल्कुल अखिल, अभी तक की देखा है उसमें तीन व्यक्तियों की एक ज्यूरी बनाई गई है जी। और ऑनलाइन जब शिविर समाप्त होगा तो वो कृतियां कलाव्रत के पास आएंगी और उसके बाद उसकी ऑनलाइन जजिंग भी होगी, तो उसमें श्रेष्ठ कृतियों का चयन किया जाएगा। और फिर ये योजना है कि हम इन कृतियों की ऑनलाइन प्रदर्शनी भी करेंगे। तो आज जब से हम कोरोना पीड़ित हो गए हैं तो अब एक माध्यम हमारे पास ऑनलाइन का रह गया है, जिससे कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं कोरोना के हम उनका पालन करते हुए अपने सृजन को विस्तार दे सकें। तो ये हमारी बाध्यता है कि ये स्थितियां जब तक बरकरार रहेगी हम सबको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा, बाकी तो हम नजरबंद हैं और ये नजरबंदी हमने स्वयं पाल रखी है, क्योंकि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो जीवन है और जीवन है तो सब कुछ है। मैं ये समझता हूं कि जैसा मैंने अभी अपने पिछले वक्तव्य में कहा, एक अद्भुत अनुभव होगा उन कलाकारों के लिए जो इस शिविर में जुड़ रहे हैं, इसलिए कि पहले तो इसमें यह विचार किया गया था कि हम एक विषय COVID-19 की जो मानसिकता है उसको रखेंगे और एक में कला जगत की जो दुश्वारियां हैं उनको रखेंगे और इनको पेंट करने के लिए हम प्रतिभागियों से कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो जो उस पर मंथन होता रहा, अब इस बात पे आया है कि समसामयिक संदर्भों में आप अपनी क्षेत्रता को लेते हुए अपने मन के भावों को कैसे इन लघु चित्रों में रूपायित कर पाएंगे। एक तरह से इन लघु चित्रों को जब सुमहन जी काम करते थे तो लघु चित्र ना कहकर के मैं इनको मुक्त चित्र कहा करता था और मैंने इस पर लिखा भी है कि ये सुमहेंद्र के मुक्तक चित्र हैं। उस समय दो चीजें कला जगत में हुई थी, एक तो आप अगर सुमहेंद्र जी के उस इमरजेंसी काल में प्रारंभ हुए चीजों को देखेंगे जिसमें बहुत सी चीजें आप सबको स्मरण में होगी और उनकी उस काल की कृतियों में उस काल का पूरा चित्रण आपको मिलेगा प्रतीक स्वरूप में और वो व्यंग्यात्मक है। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यंग्यात्मक है, वो समाज पर व्यंग्य है कि जो भी विद्रूपताएं समाज में है उनको सुमहन ने अपना विषय बनाया और उन विद्रूपताओं को उन्होंने बड़ी छड़ी के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वो एक प्रतीक बना लिया उन्होंने अपना कि भाई हमारा नायक नागरी दास है और हमारी नायिका बड़ी छड़ी है।
अगर आप नागरी दास और परिचणी की कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे तो जब उनका साम्राज्य खत्म हो गया तो दोनों मथुरा में आके बस गए थे और आज भी मथुरा में दोनों की समाधि बनी हुई है, परिचणी की भी और नागरी दास की। वाकई ये पूरी जो परिचर्चा है ये बहुत सार्थक रही, हमारी जो बातचीत है उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया। सरदार प्रेम सिंह जी जैसे वरिष्ठ चित्रकार, जाने माने देश के बड़े चित्रकार, चंडीगढ़ से आज हमारे साथ जुड़े श्री अखिलेश निगम जी, जो कि केवल एक कला समीक्षक नहीं है, चित्रकार नहीं है, अपने आप में एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे भाई संदीप जी का, संदीप सुमहेंद्र जी का, जिन्होंने बहुत से प्रयास करके, अपनी एक मेहनत करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा, इन इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोया। और कलावृत्त का जो ये समायोजन है ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक अनूठा समायोजन रहेगा, जिसकी हमें प्रतीक्षा है। और आप सभी को धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.